हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लेडीज़ का जो मोस्ट फेवरेट प्लेस होता है वो होता है किचन, क्योंकि वहाँ पर वो अच्छा अच्छा खाना बनाकर बहुत नए नए तरह के व्यंजन बनाकर अपनी फैमिली को खुश करती हैं। तो ऐसा ही हाल कुछ मेरा है, लेकिन मेरा फेवरेट प्लेस किचन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे दिन किचन में खाना ही बनाते रहो तो हम एक न एक दिन शेफ़ ज़रूर बन जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अभी बजे हुए हैं शाम के 4 और इस टाइम पे बहुत अच्छे वाला जो मौसम है वो हो रहा है बाहर, मतलब बारिश पड़ रही है खूब तेज़ वाली। तो यहाँ पर सभी लोगों का मन आ गया कि कुछ अच्छा हो जाए और जल्दी से बनने वाली चीज़ जो है झटपट बनने वाली वो हो जाए। तो यहाँ पर पकौड़े वगैरह तो मैं नहीं तल रही हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर चाय और पकौड़े का ट्रेंड जो है वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बना रही हूँ कचरी पापड़, जो कि कलरफुल वाले कचरी पापड़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और ये मार्केट से बनाए हुए रेडीमेड आते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं ये कलरफुल में, नीले पीले हरे गुलाबी, तो बहुत ज़्यादा देखने में, जितने ये देखने में अच्छे ना उतने ही ज़्यादा खाने में भी अच्छे लगते हैं। ये तो इनका टेस्ट तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है और ये करवा रही है मेरी हेल्प। तो अभी फ़िलहाल देने वाले हैं हम सभी लोगों को चाय, सभी लोग जो हैं वो चाय का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम चाय को अच्छे से छान लेते हैं, जिससे कि पत्ती जो है वो बिल्कुल भी चाय के अंदर ना जाए। तो गर्मा गर्म चाय तैयार है हमारी यहाँ पर और कच्ची पापड़ भी हमने सभी लोगों को मोस्टली दे दिए हैं। बस अब चाय बची है, तो चाय भी सभी लोगों को फटाफट से दे देते हैं, जिससे कि सभी लोग ठंडे ठंडे मौसम में कचरी और पापड़ का आनंद जो है वो उठा सके। तो यहाँ पर चाय हम लोगों ने कर ली है और मैं हमेशा ग्लास में चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे कप में ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगता कप में चाय पीना, इसलिए मैं या तो कटोरी में पीती हूँ या फिर मैं पीती हूँ गिलास में। तो यहाँ पर गिलास जो है वो मेरा है, कप जो है वो बाकी सभी लोगों के हैं। तो यहाँ पर मेरी और मेरे हस्बैंड की प्लेट जो है वो लगकर उठ चुकी है रेडी, तो कप दूँगी मैं हस्बैंड को और गिलास वाली चाय पीऊँगी मैं। तो ये देख सकते हो आप कलरफुल वाले कचरी पापड़, मुंह में पानी आ गया दोबारा से मेरे तो। और यहाँ पर अगेन अभी मैं फिर से किचन में स्टार्ट हो गई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे डिनर का टाइम हो चुका है। तो भाई देखो, कुछ ना कुछ तो किचन में बनता ही रहता है और सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो लेडीज़ लोग का किचन में ही होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो ज़्यादातर जो हम लेडीज़ होती हैं जो कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं, जो व्लॉग वगैरह यूट्यूब पर डालती हैं, उनका ज़्यादातर जो व्लॉग है उसमें ज़्यादातर आपको किचन ही दिखाई देगी। क्योंकि देखो, एक चीज़ होती है झाड़ू पोछा बर्तन, ये रोज़ रोज़ दिखाना भी अच्छा नहीं लगता और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि मैं ज़्यादा कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, इस वजह से मुझे मजबूरी में ये चीज़ें दिखानी पड़ती है। लेकिन आई होप कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को और मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे। तो यहाँ पर बस यही सोचती हूँ मैं, और इसी सोच के साथ हर डे हर पर डे एक न्यू व्लॉग मैं रेडी करती हूँ, जबकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नया नहीं होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो भी है मेरा डेली रूटीन है वो मैं आपके साथ में रोज़ डेली शेयर करूँ, जैसा भी है। आई होप कि एक ना एक दिन तो आप लोगों को पसंद आएगा ही आएगा और मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रही हूँ, मतलब यूट्यूब पर, लेकिन जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, जो कि बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं, और मैं कोई भी स्पेशल मेथड नहीं अपना रही हूँ इसमें, बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाने वाली हूँ। जैसे कि जीरा वगैरह डालकर बस इसको सिंपल वे में छोंक दूँगी मैं, क्योंकि अभी चल रहा है श्राद्ध मास, जैसा कि सभी को पता है, और श्राद्ध मास में प्याज वगैरह खाना अलाउड नहीं होता है। इसके बाद आएंगे नवरात्रे, नवरात्रों में भी प्याज वगैरह खाना अलाउड नहीं होता है। तो आप ये समझ लो कि कम से कम महीने भर की गाड़ी, महीना डेढ़ महीने की गाड़ी आपकी बिल्कुल चली ही गई प्याज खाने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दिनों के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आप अपनी घर में गृहस्थी में सुख शांति चाहते हैं तो थोड़ा सा दिनों को देखकर चलना पड़ता है। और प्याज लहसुन का क्या है, वो तो लाइफ टाइम ही खाना है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी तो होने चाहिए जब हम सात्विक भोजन करें, शुद्ध भोजन करें। तो यहाँ पर बस वही शुद्ध भोजन वाला टाइम चल रहा है सभी का, और श्राद्ध मास जो है वो चल रहा है।
तो किसी न किसी के घर में डेली का डेली श्राद्ध डलेगा ही डलेगा, और मेरे यहाँ भी श्राद्ध डलेगा, मेरे ससुर जी का डलेगा, तो वो डलेगा शायद वेडनेसडे को, देखते हैं क्या होगा। वो व्लॉग भी मैं आपके साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगी। हाँ, उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग रेडी करूंगी, और आई होप सो कि आप उस व्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देंगे। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि दिल से सपोर्ट करिए गाइस, आपके सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेरे व्लॉग कितने पसंद आते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करता है तो मुझे आइडिया नहीं हो पाता है कि आपको किस तरीके के मेरे वीडियो जो है वो पसंद आते हैं। आपको जैसे भी वीडियो पसंद आते हैं, मेरे कॉमेडी वाले वीडियो, शॉर्ट वीडियो पसंद आते हैं, जो भी पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया कीजिए, मैं उसी तरीके के और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड की फरमाइश पर बना रही थी मैं बिरयानी, और मतलब वेज बिरयानी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तैयार किया है ब्रिस्ता। मैंने प्याज को ज़्यादा नहीं भुना है, उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, और ये दो प्याज थी, बड़े बड़े साइज़ की जो प्याज होती हैं दो थी, इनको मैंने अच्छे से देख सकते हो आप कलर जो है इनका बहुत ज़्यादा प्यारा आया है, और मैं इसको ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी किसी में भी, क्योंकि वैसे भी मैं अभी बता ही रही हूँ आपको ये चीज़ तो कि श्राद्ध मास चल रहा है और यहाँ पर प्याज खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन ये हम केवल हस्बैंड के लिए बना रहे हैं, उनको बिना प्याज का भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उनकी खास फरमाइश है कि भैया प्याज पड़नी चाहिए, तो इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के लिए प्याज डालेंगे, बाकी हम लोग कोई भी प्याज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सासू मोम को अगर ये बात पता चली कि हमने प्याज का यूज़ किया है तो वो तो मेरी खाट खड़ी और बिस्तर गोल कर देंगी। इसलिए चोरी छुपे से हमने सिर्फ हस्बैंड के लिए प्याज का जो ब्रिस्ता था वो रेडी किया है, और हम उन्हीं की बिरयानी में इसको डालेंगे, बाकी जो हम लोग खाएंगे उसमें कोई भी प्याज वगैरह ऐड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चावलों को मैंने सिंपली से उबाल कर उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, सोयाबीन, तेज़पत्ता, जीरा और बाकी जो नमक वगैरह वो सब मैंने इसके अंदर ऐड किया है, बाकी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, मतलब प्याज तो बिल्कुल ही नहीं डाली है, प्याज आप देख सकते हो नीचे रखी हुई है साइड में। और अभी मैं इसको हस्बैंड के लिए जो चावल निकालूंगी, उनके लिए जो बिरयानी मैंने रेडी करी है उसके ऊपर से डाल दूँगी ब्रिस्ता को, तो उनको अच्छा टेस्ट आना चाहिए, बाकी हमारा क्या है, हम तो अपना जीरे में काम चला लेंगे थोड़ा बहुत। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हस्बैंड की जो प्लेट है वो लग चुकी है, और इसके अंदर हमने जितना भी ब्रिस्ता बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया है, मतलब ऊपर से गार्निश कर दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था, और आई होप सो कि खाने में भी उतना ही टेस्टी रहा होगा, लेकिन मैंने इस तरीके से कभी भी बिरयानी में ऊपर से ब्रिस्ता वगैरह डालकर नहीं खाया है, मैं डायरेक्ट प्याज वगैरह डालकर ही चावल छोंक देती हूँ। आई होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी।